तीन पॉइंट्स जीते इस्लामाबाद ने, तीन पॉइंट्स जीते हैं टीम गवादर ने, एक पॉइंट जीता लाहौर ने, एक पॉइंट जीता टीम हैदराबाद ने। अच्छा जी, याद रहे कि कल जो भी विनिंग टीम होगी उसके साथ जहां पर 1,00,000 रुपए कैश दी जाएगी, उसके साथ साथ फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से ये 800 cc कार भी जाएगी। और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, कल जो भी विनिंग टीम होगी उसके साथ हमारे साथ एक प्रोडक्ट है बेटी वाला, इनकी तरफ से ये जितना भी सामान है ये सब का सब जाएगा विनिंग टीम के साथ, सिर्फ जो भी टीम कल जीतेगी उसके साथ। जी, बेटी वाला पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जो आपकी आमदनी में बेटी की रुखसती कराए, बेटी वाला। चलिए जी, अब देखना यह है कि आज वो कौन सी टीम है जो डायरेक्टली क्वालिफाई करके चली गई है फाइनल के लिए, और वो कौन सी टीम है जो गेम चेंजर खेलेगी। मुझे दिखाइएगा आज का पॉइंट्स टेबल। जी दिखाइएगा जरा जल्दी से, तीन पॉइंट्स जीते हैं टीम गवादर ने लास्ट गेम के, तीन पॉइंट्स जीते हैं इस्लामाबाद ने, एक पॉइंट जीता है हैदराबाद ने, और एक पॉइंट जीता है लाहौर ने। जी पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा मुझे, कौन सी टीम डायरेक्टली पहुंची और कौन सी टीम है जो गेम चेंजर खेलेगी। और टीम लाहौर डायरेक्टली क्वालिफाई कर गई है, टीम हैदराबाद है जो गेम चेंजर खेलेगी, और इस्लामाबाद भी इन है और टीम गवादर भी इन है। इसका मतलब है कि कोई भी टीम पहुंच सकती है। क्या हुआ, 7 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना। हाँ, इस्लामाबाद बाहर हो गया, टीम इस्लामाबाद बाहर हो गया है, मुकाबला गवादर और हैदराबाद के दरमियान है। चलिए जी, आपके पास तीन चांसेस होंगे, तीन ब्रीफ केसेस मंगाओगे आप, क्योंकि तीन टीम्स हैं, सही है। और एक ब्रीफ केस जो आप दोगे इस्लामाबाद को, वो भी आपका ही चांस होगा, और एक ब्रीफ केस आप दोगे गवादर को। लेकिन याद रखो, गवादर जीत सकता है क्योंकि 6 पॉइंट्स का गेम चेंजर है। एक प्लेयर देखता रहेगा आपका मॉनिटर। गो गाइस। सर नंबर 3। तीन नंबर दीजिएगा। गो। सर नंबर 1। एक नंबर दीजिएगा, आखिरी मौका। गो। सर नंबर 5। 5 नंबर दीजिएगा। सर कौन सी टीम है? अब एक ब्रीफ केस आप देंगे इस्लामाबाद को, ये लोग बाहर हैं। सर नंबर 8। 8 नंबर दीजिएगा इस्लामाबाद को। अब आप देंगे एक ब्रीफ केस टीम गवादर को। सर नंबर 2। 2 नंबर दीजिएगा टीम गवादर को। याद रखिए कि आपके पास एक मौका है कि आप कोई सा भी ब्रीफ केस स्वाप कर सकते हैं, जब मैं 2 ब्रीफ केसेस खोल लूंगा उसके बाद। लाइए कौन कौन से ब्रीफ केसेस हैं जो आप पहले ओपन करवाना चाहेंगे। जो टीम जीतेगी गेम चेंजर कल फाइनल के अंदर, वही टीम बाकी तीन टीम्स के साथ पंजा आजमाई करेगी। कराची, क्वेटा और लाहौर ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं। 3 नंबर मंगवाया टीम हैदराबाद ने, और 1 नंबर मंगवाया। 3 और 1 में से ये दोनों तो बाहर हैं। आखिरी एक ब्रीफ केस तुम्हारे पास है उमर, और तुम्हारे पास एक पावर है कि तुम कोई सा भी ब्रीफ केस स्वाप करवा सकते हो। सोचने के लिए और बताने के लिए है पूरे 15 सेकंड्स। गाइस टाइमर दीजिएगा। गो हैदराबाद। सर स्वाप कराएंगे 5 को 4 से। 5 को 4 से कराऊंगा। ले भाई 4 ले आइए, यहां रख दीजिए, 5 वापस करते हैं। अब आप लाओ भाई 8 नंबर लेकर आओ। चार नंबर मंगाया है उमर ने, 8 नंबर इन्होंने दिया था टीम इस्लामाबाद को जो ऑलरेडी बाहर है। और ये चांस हो गया खत्म। बराबर में बैठे हुए हैं 2 नंबर लेके टीम गवादर, और उसके बारे में कुछ नहीं सोचा हैदराबाद ने। 5 पॉइंट्स का डिफरेंस था, मैंने कहा भी था कि 6 पॉइंट्स का है गेम चेंजर, और आज किस टीम ने गेम चेंज कर दिया। 4 नंबर रहा टीम हैदराबाद के पास, और उन्होंने 2 नंबर दिया टीम गवादर को। हैदराबाद तो क्वालिफाई नहीं कर सका, 2 नंबर ने आज गवादर को भी क्वालिफाई नहीं करने दिया। इसका मतलब है कि पॉइंट टेबल की बुनियाद पे ही आज हैदराबाद क्वालिफाई कर गया कल के फाइनल के लिए। लाओ 9 नंबर, 10 लाख रुपए आज ब्रीफकेस नंबर 9 में थे जो नहीं मंगवाया टीम हैदराबाद ने।
कल भी कोई टीम गेम चेंजर नहीं जीती, आज भी कोई टीम गेम चेंजर नहीं जीती है, लेकिन क्वालिफाई कर गई है आज टीम हैदराबाद और टीम लाहौर जो मुकाबला करेंगी कल। टीम क्वेटा और टीम कराची का मिस ना कीजिएगा, कल फाइनल है। याद रहे जीतने वाली टीम के साथ 1,00,000 रुपए कैश इन की ईदी जाएगी और फेस फ्रेश क्लींजर क्रीम की तरफ से 1 800 cc कार। कल मिलते हैं ठीक 7 बजे एक दफा फिर मेरी तरफ से, बोल नेटवर्क की तरफ से, इन सब बच्चों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। गेम शो एवरीवन, मैं हूं दानिश तैमूर। बोल एंटरटेनमेंट की तमाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा।